एक ओर जहां दिल्ली में 2012 के निर्भया दुष्कर्म हत्याकांड के दोषियों को फांसी होने वाली है, वहीं गुजरात में भी कुछ ऐसा ही क्रूर कांड हुआ है, जहां चार लोगों ने एक युवती को अगवा किया, फिर सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे बेरहमी से मार डाला, उसकी लाश को पेड़ पर लटका कर भाग गए ताकि घटना आत्महत्या जैसी लगे। घटना के बारे में पता चलने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मृतका की लाश का अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम किया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ युवती को अगवा करने, गैंगरेप करने एवं फिर हत्या करने का केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। युवती की उम्र करीब 19 साल बताई गई है। वह युवती 31 दिसंबर को लापता हुई थी। उसके बाद बीते रविवार को उसकी लाश बरामद हुई। 5 जनवरी को उसकी लाश को पेड़ पर लटके पाया गया था। उसके परिजनों ने कहा था कि बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे किसी ने मारा है। परिजनों ने लाश को लेने से भी इनकार कर दिया था। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद पुलिसिया जांच शुरू हुई। पुलिस ने मंगलवार को चार आरोपियों विमल भरवाड़, दर्शन भरवाड़, सतीश भरवाड़ और जिगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद परिवार मृतका की लाश लेने के लिए सहमत हुआ। वह लाश अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखी गई थी। शिकायत के अनुसार जब युवती लापता हुई तो परिजनों ने 3 जनवरी को पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इनकार कर दिया था। स्थानीय पुलिस निरीक्षक NL रबारी ने परिवार से कहा था कि लड़की सुरक्षित थी और उसी समुदाय के एक लड़के के साथ रहती थी और दोनों ने शादी कर ली थी, इसलिए किसी भी मामले को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि बाद में स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने सैकड़ों दलितों ने प्रदर्शन किया तो भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस बारे में गांधीनगर रेंज के महानिरीक्षक मयंक सिंह चावड़ा ने कहना है कि हमने मृतका के परिवार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है, हमारी जांच चल रही है। पुलिस स्टेशन से कोई बाप नहीं पेड़ी नहीं के मन खावे चले आगो तू तो पहली बार वे है पहली बार वे पकड़ी गए इसकी तो के नौकरों पर वो चले तो सिटी कैश ना लोग छोड़ भेदभाव करो चले तुम हम भी सर ना वरखोड़ा वक्त पर आमच कांड करो तो तुम एमनी आगो तू तो पहली बार वे है पहली बार वे पकड़ी अभी लुच्चाई नहीं चलावी ले ये ध्यान रखो तुम તમારા તમારા ડીજી ને કેવો હોય તો કહી દેજો અને તમારા ડીજી ને કેવો હોય તો પણ કહી દેજો તમારો પગાર અમે આપીએ છીએ આખી વર્તી છે ને અમારા પૈસા ની છે અમારા ટેક્સ ના પૈસા ની છે તો પેલી વાર કે સરમ લાગે છે કે અમને ઘૂસી ગયા છો લાજ કરવી પડે છે અહીંયા બચવાની જગ્યા હોય જાતે હું છો આ તો જાતે કરીને ચડાઈ દીધી સોને ભાન પડતું નથી જરાય પણ નાક શરમ છે કે નહીં તમને જરાય એમની આ તો અંદર જઈને છોકરા ને ચૂપચાપ બેઠી ગયા છો JBD banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।